हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। जून जुलाई में जारी हो सकते हैं 776 करोड़ के विकास कार्य कराने के वर्क ऑर्डर। देश की बड़ी कंपनी ने लगाई टेंडर। खरगोदा IMT में जो टेंडर 125 करोड़ रुपए के किए गए थे उनके वर्क ऑर्डर जून जुलाई महीने में जारी हो सकते हैं। इसके बाद खरगोदा IMT में चारों तरफ सरकार की तरफ से विकास के कार्य शुरू हो जाएंगे। देश की 4 बड़ी नामी गिरामी कंपनियों ने इसके लिए टेंडर फॉर्म भरे थे जिनकी टेक्निकल जांच की जा रही है। टेक्निकल जांच पूरी हो जाएगी और जिस कंपनी को टेंडर अलॉट होगा वह कंपनी 2 वर्ष के अंदर अंदर खरगोदा IMT के सभी तरह के विकास कार्य करने पूरा करेगी। इन 4 बड़ी कंपनियों ने किया अप्लाई। खरगोदा IMT में विकास कार्य कराने के लिए 776 करोड़ रुपए के लिए टेंडर मांगे गए थे जिसमें देश की 4 बड़ी नामी गिरामी कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें LNT ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिनेश चंद्र अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी व कल्पतरु कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इन 4 कंपनियों में से किसी एक कंपनी को यह टेंडर दिया जाना है। सूत्रों की माने तो सरकार द्वारा प्लान किया जा रहा है कि जब IMT में मारुति कंपनी के प्लांट का कार्य पूरा होगा लगभग उसी दौरान खरगोदा IMT के अन्य विकास के कार्य भी पूरे हो जाएंगे और IMT पूरी तरह से एक ही समय में डेवलप हो जाएगी। अरुण गर्ग महाप्रबंधक HSIRDC सोनीपत का कहना है कि खरगोदा IMT के विकास कार्य का आधारभूत सड़कों सहित सभी तरह के विकास कार्य कराने के लिए 776 करोड़ रुपये की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरणों में चली हुई है। जैसे ही मुख्यालय से फाइनेंशियल टेक्निकल जांच पूरी होती है तो पात्र कंपनी को टेंडर अलॉट करते हुए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा जिसके 24 महीने के अंदर अंदर सभी तरह का डेवलपमेंट कंपनी को करके देना होगा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।